तो दोस्तों यस बैंक ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है इस क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर, क्योंकि डाटा इसके लिए लाख्स में दिया है। मैं आपको क्रोस में कन्वर्ट करके समझाता हूँ क्या हुआ है। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल इनकम देखा जाए तो कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 7064 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था। पिछले साल 5872 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ के 7351 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो साल दर साल और क्वार्टर क्वार्टर दोनों देखा जाए तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिली। चलिए कंपनी के खर्चे देखते हैं, खर्चे क्या किए हैं कंपनी ने। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 6147 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 5093 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 6458 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी के खर्चे थोड़े से कंट्रोल में देखने को मिल रहे हैं इस क्वार्टर में। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट देखा जाए तो बेसिकली कंपनी 55 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 371 करोड़ का प्रॉफिट था, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट गिर के 206 करोड़ के आसपास इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है। इस क्वार्टर में याद रखिए, इस क्वार्टर में कंपनी को टैक्स के रूप में थोड़े ज़्यादा खर्चे करने पड़े। चलिए कंपनी का नेट एनपीए क्या है देख लेते हैं वो भी। तो एनपीए की बात करें तो बेसिकली पिछले क्वार्टर में कंपनी का एनपीए 2.20 था, पिछले साल 13 के आसपास था, जबकि अभी देखें तो 2.17 के आसपास है। तो एनपीए के अंदर एक थोड़ी सी तेज़ी आपको देखने को मिल रही है क्वार्टर क्वार्टर। चलिए कंपनी का ईपीएस देख लेते हैं, ईपीएस क्या है। पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 2 पैसे के आसपास था, पिछले साल 15 पैसे, जबकि अभी देखें तो 7 पैसे के आसपास है। तो ओवरऑल देखें इस क्वार्टर के जो नंबर है वो रेवेन्यू के मामले में सही है, लेकिन प्रॉफिट के मामले में थोड़े से दबाव देखने को मिले हैं क्वार्टर क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। और देखा जाए तो ओवरऑल कह सकते हैं कि इस क्वार्टर के नंबर थोड़े से कमजोर देखने को मिले हैं पिछले क्वार्टर के मुकाबले, और साल दर साल बेहतरीन है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।